हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं प्रियंका और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्रिएटिव अकाउंटिंग सो ये लेक्चर नंबर थ्री है और इसके पहले मैंने जो दो लेक्चर्स किए थे उसमें मैंने आई और फॉरेंसिक अकाउंटिंग किया था आई के मैंने एम दे रखे हैं फॉरेंसिक के एम बाकी हैं वो मैंने आपको जैसे पिछली बार कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगी और फिर उसके बाद एक साथ एम करेंगे सो येस फॉरेंसिक के बाद आज हम क्रिएटिव कर रहे हैं आई विल कम अप विथ एन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एज वेल और फिर हम तीनों को एक साथ सॉल्व uh, करेंगे क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो आस पास ही होते हैं और कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं तो दैट विल बी एक्चुअली अ फन एक्सरसाइज टू डू क्योंकि जब हम टॉपिक uh, के बाद एम करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है हमको सब याद रहता है लेकिन जब हम सिर्फ एम करेंगे तो हमको ये भी समझेगा कि हमारा प्रपरेशन कितना हो चुका है ओके okay? एंड अगर आपने लेक्चर वन आई एफ आर एस एंड लेक्चर टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मेक श्योर यू गाइज वॉच दैट वीडियोज़ टू सो आज का जो टॉपिक है वो इट्स अ गुड टॉपिक इट्स अ इजी टॉपिक एंड क्रिएटिव अकाउंटिंग डज नॉट मीन की किसी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेट करता है नो नॉट एट ऑल लेकिन इट इज़ एन आर्ट ऑफ़ मेन्यूपुलेशन क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ़ मेन्यूपलेशन हम देखेंगे वो क्या है किस चीज़ की मैन्युपलेशन होती है साथ ही में हम सत्यम स्कैंडल करेंगे अगर ये टॉपिक को समझना है तो सत्यम इज द बेस्ट एग्जाम्पल आप ये स्कैंडल से समझ पाओगे कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है एंड ऑल्सो कि आजकल का जो बिज़नेस टाइम चल रहा है उसमें क्रिएटिव अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है एवरी बिजनेस पर्सन हंड्रेड परसेंट वो लोग इस क्रिएटिव अकाउंटिंग uh, को यूज़ करते हैं सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आ टू लेक्चर क्रिएटिव अकाउंटिंग इज लाइक अ मैन्युपलेशन मैन्युपलेशन ऑफ वॉट ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेन्यूपुलेट किया जाता है यानी उसकी जो रियल पिक्चर है उसको हटा के हम उसमें झूठी पिक्चर दिखा देते यानी हम नंबर्स के साथ हेरा फेरी करते हैं हम इसको और डिटेल में आगे आगे पढ़ते रहेंगे अकाउंटेंट हैज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई यानी अकाउंटेंट एक अकाउंटेंट जो होता है वो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है राइट right? तो उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कुछ जो उसे कंप्लाई यानी फॉलो करनी होती है अ कॉरपोरेशन हैड अ लीगल हैज़ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लाई यानी जो कॉरपोरेशन है यानी जो कंपनी है उसका कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उसने फॉलो करनी चाहिए ऑडिटर हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ओपिनियन ऑन कंप्लायंस ये जो कम्प्लायंस हुआ है ना ये जो कंप्लायंस हुआ है इसके ऊपर ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि इन्होंने जो फॉलो किया है क्या वो सही किया है या नहीं किया है ये काम होता है ऑडिटर का इतना करने के बावजूद कहीं ना कहीं जो फ्रॉड है वो होता है वो क्यों होता है एन इंटेंशनल मैन्यपलेशन ऑफ अकाउंट्स आर डन बाई बिजनेस एंड अकाउंटेंट्स ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा आज के टाइम पे या फिर पहले से भी अगर हम बोले सिर्फ आज के टाइम पे नहीं इवन फ्रॉम द बिगनिंग जो बिजनेसेस होते हैं जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैन्यूपुलेट करते हैं वो उसमें कोई ना कोई झोल कोई ना कोई झोल जरूर करते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैन्यूपुलेटेड इन सच अ वे दैट इट डज़ नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू डेफिनेटली जो रियल वैल्यू है उसकी जो रियल पिक्चर uh, है वो हटा के वो लोग उसमें गलत डालते जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का प्रॉफिट जो है वो टेन लैक्स है ठीक है तो वो अपना बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है ये दिखाने के लिए हो सकता है कि वो फिफ्टी लैक्स का प्रॉफिट दिखा दिखाते तो ये मैन्यपुलेशन हुआ यहाँ नंबर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और एक झूठी पिक्चर लोगों के सामने रखी गई है नॉट ओनली दैट बट ऑडिटर्स रिलाई ऑन सैम्पलिंग एंड सम हाउ फेल टू स्पॉट द दैट देर इज़ अ प्रॉब्लम यानी ऑडिटर्स क्या करते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ठीक है वन से लेकर हंड्रेड तक सपोज डॉक्यूमेंट्स है इसमें से वो लोग सैम्पलिंग लेके सिर्फ फिफ्टी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं बट क्या ये फिफ्टी डॉक्यूमेंट्स पूरा पिक्चर दिखाते हैं नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑडिटर जो है वो फेल हो जाते हैं कि वो इसमें अगर कोई फ्रॉड है तो वो बाहर ला सके समाइम्स अकाउंटेंट्स में शो फेवरेबल प्रॉफिट अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें हो सकता है वो कभी कभी प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाएँ क्यों ताकि बोनस मिले एम्प्लॉइज़ को या फिर या फिर उनका इंटेंशन हो सकता है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे जब आपकी यानि किसी भी बिज़नेस पर्सन की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाती है तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंपनीज के पास तो अट्रैक्ट करने के लिए हम उन्हें ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे एट अदर टाइम्स अकाउंटेंट्स में शो लॉसेस यानी ये जब लॉस यानी जब हम देखो जब हमारा प्रॉफिट कम होता है तो जाहिर सी बात है हमको टैक्स कम पड़ता है तो अगर हम ये चीज़ करें अगर हम लॉस दिखा दें तो हमें कम टैक्स पड़ करना पे करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर हम बिज़नेस पर्सनस क्या करते हैं ये लोग एक चाल चलते हैं ताकि इनका जो है टैक्स का पैसा बच जाए समटाइम्स अकाउंटेंट्स में शो हेल्दी बैलेंस शीट हेल्दी बैलेंस शीट यानी वो क्या दिखाएंगे कि ये है लाइबिलिटी और ये है एसेट हेल्दी का मतलब है एसेड्स जो है वो कम दिखेगी और लाइवलिटी जो है वो कम दिखेगी और एसेट जो है वो ज़्यादा दिखेगी मतलब मोर दिस विल लुक मोर तो यानी ये जो बैलेंस शीट है वो बहुत हेल्दी है अच्छी है ऐसे टाइम पे बैंक्स ऐसी कंपनीज़ को लोन आसानी से दे देते कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते तो यहाँ पे जूटी बैलेंस शीट दिखाई जा सकती है अकाउंटेंट्स के द्वारा एट अदर टाइम्स अकाउंटेंट मे शो अनहेल्दी बैलेंस शीट यानी वो दिखा देंगे कि भाई लाइविलिटीज़ बहुत सारी है एसेट कम है ऐसे क्यों बिफोर अ मैनेजमेंट बाई आउट टू गेट अ बार्गेन मैनेजमेंट बाय आउट का मतलब है कि सपोज़ मेरी मेरी मतलब एक कंपनी है उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मेन कंपनी जो है उससे वो इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपने पास ले एक्वायर करना चाहती है और ऐसे टाइम पे जब वो एक्वायर करना चाहती है तो उनको लेस अमाउंट में वो चाहिए तो वो बार्गेन का एक स्कोप रहे इसलिए वो ये दिखाते हैं कि भाई हम देखो बैलेंस शीट तो अनहेल्दी है यानी बिजनेस जो है वो ठीक से चल नहीं रहा है क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ लाइक एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स इन अकाउंटिंग सिस्टम ऑडिटिंग सिस्टम आफ्टर अकाउंट्स आर फाइनलाइज जब अकाउंट्स बन जाते हैं ठीक है थीके? तो उसमें ना कोई ना कोई, न, कोई न, लूप होल्स रह जाते हैं यानी कोई ना कोई, कोई तरकीबें निकाल के हम कोई ना कोई झोल जरूर कर सकते हैं ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं अकाउंटेंट्स वो बहुत आसानी से ये सब कर सकते हैं यानी हर चीज़ में इवन अगर आप देखो तो लॉ में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं जिससे जो वकील लोग होते हैं देखो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के देते हैं सेम विथ अकाउंटेंट्स इन्हें भी पता होता है कि भाई कहाँ से क्या लूप होल निकाला जा सकता है जब अकाउंट्स बन चुकी है और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमेशा याद रखना कि क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ नॉट इलीगल ये इलीगल नहीं होती है और इसमें सिर्फ क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप छूट जाता है उस गैप का फ़ायदा जो है वो अकाउंटेंट्स उठा लेते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग रेफर्स टू इमेजिनेटिव वेज ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स अभी जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई गैप्स बच जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटेंट अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता है अपना जो नॉलेज है एजुकेशन है वो इस्तेमाल करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करता है इसके कुछ अदर नेम्स भी है जैसे इनोवेटिव अकाउंटिंग अग्रेसिव अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो कुकिंग अप ऑफ अ बुक्स ये भी एक नाम याद रखना कि कुकिंग अप ऑफ अ बुक्स भी बोला जाता है क्रिएटिव अकाउंटिंग को दीज वेज डेविएट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अकाउंटिंग लॉज हाव एवर दे आर नॉट इलीगल डेफिनेटली जो लॉ होती है उसके जो उसका जो इंटेंशन होता है कि भाई सारी चीजें एथिकल रखा करो ये उससे दूर जरूर लेके जाती है लेकिन ये इलीगल भी नहीं होती है इट इज़ नॉट इलीगल यानी छोटी मोटी क्रिएटिव अकाउंटिंग सब लोग करते हैं जब छोटी छोटी से छोटी छोटी से जब बहुत बड़ी बन जाती है तब आती है प्रॉब्लम रीजनस फॉर डूइंग क्रिएटिव अकाउंटिंग अब क्यों क्रिएटिव अकाउंटिंग कोई भी अकाउंटेंट कोई भी बिजनेस पर्सन मैनेजमेंट क्यों इस चीज को करता है इज टू मेक द कंपनी अपियर फाइनेंशियली हेल्दियर इट इज देन इट रियली इज मतलब आपकी जो कंपनी है वो जितनी जैसी भी दिख रही है उससे ज्यादा अच्छी दिखे इसीलिए ये लोग क्रिएटिव अकाउंटिंग करके उसको मतलब देखो दस लाख प्रॉफिट इज नॉट लेस लेकिन आप और भी उसको हेल्दी दिखाना चाहते हो अपने बिजनेस को तो आप बोलते चलो मैं दिखाऊंगा सेवेंटी लाख का प्रॉफिट तो ये होती है क्रिएटिव अकाउंटिंग इसका पीछे का इंटेंशन होता है कि अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है ये दिखा के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का टू मिसलीड यू टू मिसलीड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है उस कम पर्टिकुलर कंपनी के उसको देख के ये लगे कि भाई हाँ इनका कंपनी तो कितना अच्छा चल रहा है लेट्स इन्वेस्ट इन दिस इस तरीके के गाइज मेक श्योर की यू डोंट फर्गेट दिज नेम्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम अलग अलग क्रिएटिव अकाउंटिंग के अलग अलग नेम्स है ओके नाउ क्रिएटिव अकाउंटिंग इज द रूट ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्कैंडल्स एंड इट ऑलवेज स्टार्ट फ्राम ह्यूमन इंटरवेंशनस क्रिएटिव अकाउंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूअर्ड स्कैंडल्स याद रखना क्योंकि छोटी छोटी जो छोटी छोटी मैनिपलेस से ही एक बार ना फिर बाद में बड़ा सा कुछ कड़बड़ या कांड कर दो या फिर क्या हो जाता है कि छोटे छोटे करते करते वो बात इतनी बढ़ जाती है कि बस अब वो स्कैंडल ही बनने में उसकी देरी बन जाती है तो ये कुछ फेमस स्कैंडल्स हैं जो uh, आप लोगों को रीड करने चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर क्लियरली जिसमें से मैं सत्यम ब्रीफली ज़रूर आज डिस्कस करूँगी बट आई सजेस्ट कि आप लोग भी इसको और डिटेल में पढ़ना कि कब कब कौन से कौन से डेट पे मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कब कब क्या हुआ था वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉड स्कैंडल जो 1998 में हुआ था एनरॉन स्कैंडल जो 2001 में हुआ था द कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स 2008 में हुआ था सो so, ये स्कैंडल्स पढ़ना इस टॉपिक के डिटेल में जाने के लिए इट्स अ गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड गाइस कि फ्रॉड्स या स्कैंडल्स या मैन्यूपलेसन कैसे होते ज़रूरी नहीं है हर मैन्यूपलेशन जो है वो स्कैंडल तक ही पहुँचे लेकिन इट्स अ गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे किसी लूप होल को यूज़ कर सकते हैं टू uh, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है सो मेक श्योर कि आप लोग ये टॉपिक्स भी पढ़ें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग सो हम लोग अभी क्यू ऑब्जेक्टिव सॉरी क्यू क्रिएटिव अकाउंटिंग करते हैं विल अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या होती है एम क्या होती है टू हाइड अ पर्टिकुलर बैड ईयर फॉर द कंपनी अगर कंपनी का एक हाथ साल बैड चला गया यानी कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस या कंपनी का बहुत सारा लॉस होने लग गया है तो ये हटाने, ये छुपाने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं फोर्स एंड एक्सेप्शनली गुड ईयर ज़बरदस्ती ये दिखाना कि बहुत ही सही मतलब क्या ईयर था यार मतलब अगर पाँच लाख का भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको दिखा दो कि पचास लाख का इज लाइक फोर्सिंग एन एक्सेप्शनल गुड ईयर मतलब ऐसा ईयर जो तुम्हारा गुड़ था ही नहीं उसको जबरदस्ती दिखाना कंटिन्यू द प्रेशर टू बी ऑलवेज बेस्ट ये एक प्रेशर लगाए रखना कि भाई हम हमें हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करना है तो अब जब भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाओगे तो एम्प्लॉयज़ को ये प्रेशर दिखा देते कि यू नो वर्क हार्ड इतना अच्छा हमको हमेशा करते रहना है ऐसे टाइप स्मूथ आउट रिजल्ट टू गिव एन इंप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी और सस्टेन इम्प्रूवमेंट्स स्मूद आउट रिजल्ट टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी और सस्टेन इम्प्रूवमेंट मतलब लगातार इम्प्रूवमेंट हमारे इसमें हो रही है स्मूद आउट रिजल्ट का मतलब है कि हमें स्टेबिलिटी दिखानी है हमें ये नहीं दिखाना कि वन ईयर वॉज एब्सोल्यूटली फेंटास्टिक एंड दी अदर ईयर वॉज वेरी वेरी बैड ऐसा कुछ नहीं है हमें दिखाना है कि हमारा हर साल बहुत अच्छा जाता है तो हमें उसे बैलेंस आउट करना है और हमें यह दिखाते रहना है कि लगातार हम इंप्रूवमेंट कर रहे यानी हमारा पिछले साल जो प्रॉफिट था उससे इस साल ज्यादा हुआ है और हम अगले साल भी इससे ज्यादा करेंगे सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग बूस्ट एसेट्स टू अवॉइड टेक ओवर अब कोई आके आप को आपकी कंपनी का एक्विजिशन uh, ना कर ले आपको टेक ओवर ना कर ले इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा एसेट्स को ज़्यादा दिखाओ कि नहीं हमारी कंपनी अच्छी चल रही हमारे है हमारे एसेट्स ज़्यादा है सो नोबडी विल टेक ओवर द कंपनी सर्वाइव फ्रॉम बैंक ताकि अगर हमारा एक हाथ साल कुछ सालों से हम लॉस में चल रहे हैं ठीक है लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस हो रहा है लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हो कि लॉस नहीं है प्रॉफिट है तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते रहेंगे और इससे आप बैंक क्रप्सी के तरफ नहीं जाओगे टू अर्न मोर प्रॉफिट्स टू पे लेस टैक्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर वी हैव डिस्कस दिस टू इंक्रीज फेक ट्रांजेक्शन जब आप फेक ट्रांज़ेक्शन इंक्रीज़ करते हो फॉर एक्जाम्पल सेल्स ट्रांजेक्शन जो सेल्स इन्वाइस को झूठी सेल्स इन्वाइस दिखा देना ये सारी चीज़ें से क्या होता है ऐसे दिखता है कि बहुत सारा रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है टू बूस्ट शेयर प्राइस जब कंपनी अच्छी चलती है तो अपने आप शेयर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो इसीलिए ये इंटेंशन होता है किसी भी बिज़नेसेस का कि भाई हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा है हम बहुत अच्छे जा रहे हैं ये दिखाते रहो मैन्युपलेशन मेथड्स एंड एरिया तो अभी कहाँ कहाँ मैन्युपलेशन की जा सकती है इन्वेंट्रीज़ में लाइबिलिटीज़ में डिप्रीसीशन में सेल्स uh, रेवेन्यू में एक्सपेंसेस में इन सब में जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा मैन्युपलेशन करके जो हमें रिजल्ट या आउटकम चाहिए हम वो ला सकते हैं सो लेट्स रीड इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज़ इज़ गुड्स मैन्युफैक्चर बट नॉट सोल्ड येट मतलब जो गुड्स हमने बना के रखे हैं बट अभी तक हमने उसको बेचे नहीं है यानी वो अभी भी हमारे पास है सम कंपनीज में लुक टू ओवर स्टेट इन्वेंट्री टू इन्फ्लेट द बैलेंस शीट एसिड्स फॉर द पोटेंशियल यूज ऑफ कोलेट्रल इफ दे आर इन नीड ऑफ डेट फाइनेंसिंग इसका क्या मतलब हुआ गाइज कि जो हमारी इन्वेंट्री होती है ठीक है यानी स्टॉक होता है वो आता है एसिड साइड में ये बैलेंस शीट है ठीक है इसकी ये लाइविलिटी साइड है और ये एसेट साइड है तो ये जो इन्वेंट्री है ये स्टॉक है वो एसेट साइड आता है और जब हम ज़्यादा दिखाएँ हम उसको इन्फ्लेट यानी ज़्यादा करके दिखाएं कि देखो हमारे स्टॉक में इतनी इन्वेंट्री है तो इससे क्या होता है कि हमारा एसेट साइड ज़्यादा दिखता है हमारी लाइवलिटी साइड कम दिखती है यानी हमारा बिज़नेस स्टेबल अच्छा दिखता है तो ऐसे इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है जब कंपनी को यानी बिजनेस को जब लोन डेट की ज़रूरत होगी डेट फाइनेंसिंग की तब उन्हें ये इन्वेंट्री में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उन्हें ये दिखाने में हेल्प होगा कि हाँ वी आर गुड वी आर स्टेबल अब हम लोग केपेबल है टू टेक द लोन तो बैंक भी बोलेगी हाँ इनका इन्वेंट्री तो देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है मतलब दे आर स्टेबल इनको हम लोन दे सकते हैं कोई रिस्क नहीं है सो so, ये इंटेंशन से हम क्या करते हैं कि जो इन्वेंट्री है हम उसको ओवर स्टेट करके दिखाएंगे यानी अगर मेरे पास इन्वेंट्री से अगर मैं यूनिट्स में बात करूँ मेरे पास है फिफ्टी यूनिट्स ठीक है तो मैं उसको इन्फ्लेट करके आई विल शो कि आई हैव हंड्रेड यूनिट्स अब हंड्रेड यूनिट्स का अगर हम लोग मनी मॉनिटरी टर्म्स में देखेंगे तो इसका पैसा ज्यादा दिखेगा हंड्रेड का फिफ्टी से सो so, ये इंटेंशन होती है लोन लेने के लिए तो हम लोग इसको मैन्युपुलेट करते हैं यानी यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट को मैन्युपुलेट करते हैं लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज आर नॉट प्रोपरली शोन इन बैलेंस शीट जस्ट टू शो दैट द कंपनी हैज नो लाइबिलिटीज और लेस लाइबिलिटीज दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग जैसे मैंने कहा कि लाइबिलिटी अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी कंपनी ख़राब दिखती है एक तो वो इन्वेस्टर्स को भी आ, सही नहीं लगेगा और ना ही वो बैंक वालों को जो हमें फाइनेंस देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस होते हैं ना उनको सही लगेगा तो हमेशा कंपनी बिजनेसेस अकाउंटेंट्स का इंटेंशन क्या होता है कि मेक श्योर sure कि आप लाइबिलिटीज कम दिखाओ जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती है वो भी ठीक से दिखाई नहीं जाती है बैलेंस शीट में इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई हाँ हमारे पास हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम है तो ये एक तरीके का मैन्युपलेशन है जो ज्यादातर आई थिंक यूज किया जाता है इसीलिए इसे एक ग्रेट वे बोला गया है मैन्युपलेटिंग डेप्रीसी फिगर्स एंड मेथर्स even though depreciation is cashless cashless its calculation has great impact on company's finances भले ही depreciation में पैसों से हम कुछ नहीं करते यानी उस it is a cashless it is just something entry जो हम लोग uh, uh, इसमें profit and loss account में दिखाते हैं you guys know depreciation क्या है जब हम कोई capital assets खरीदते हैं ठीक है थीके? और वो capital assets say for example five capital asset से वो फाइव इयर्स तक चलती है तो ये जो एसेट है वो फाइव ईयर के बाद डेफिनेटली अगर वो खराब हो जाती है तो हम एवरी ईयर एवरी ईयर हम इसमें से कुछ एक अमाउंट साइड में निकाल के रखते हैं एज अ रिजर्व उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं कि इसका मतलब है कि हमने जो ये एसेट यूज़ किया है उसके वेयर एंड टेयर के लिए मतलब हमने उसको यूज़ करते करते वो जैसे जैसे ख़राब होती जाएगी पाँच साल तक हम उसका एक सर्टन अमाउंट एवरी पाँच साल तक हम निकालते रहेंगे एवरी ईयर और ये जब एसेट एक्चुअल में ख़राब हो जाएगी वी विल यूज़ दिस अमाउंट सो so ये होता है डिप्रिसिएशन तो ये कैशलेस होता है ये कोई एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं होती है लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे कंपनी के फाइनेंस पे मतलब इट प्लेज़ अ मेजर रोल य मैनेजमेंट मेन्युपुलेट्स लाइफ स्पैन ऑफ एसेज जनरली मोर देन एक्सपेक्टेड मतलब यहाँ पे वो लोग क्या कर देते कि लाइफ स्पैन जो होती है उसके साथ मैन्युपुलेशन कर देते मतलब डिप्रिसिएशन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं लाइफ स्पेन में कर सकते हैं मतलब अगर थ्री uh, ईयर्स बोला है एक्चुअल में तो वो उसको ज़्यादा दिखा देंगे फाइव ईयर्स का सो दिस इज़ द मैन्युपुुलेशन दे कैन डू मैनेजमेंट कैन मेक अ फर्म अपीयर मोर प्रोफिटेबल एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देन इट रियली इज बाई अंडर स्टेटिंग और ओवर स्टेटिंग इट्स डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मतलब अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या चाहते हैं वो उस तरीके से उस डिप्रिसिएशन को ट्रीट करेंगे यानी वो कभी कभी उसको कम दिखाएंगे कभी कभी वो उसको ज़्यादा दिखाएंगे ये वो उनके करेंट uh, सिनारियों uh, के हिसाब से वो लोग देखेंगे मतलब जब दे हैव एन इंटेंशन कि उसे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या स्ट्रॉग दिखाना है या जो भी उनके होंगे उस टाइम के uh, uh, हिसाब से वो लोग डेशन uh, में जो है झोल जो करते रहेंगे लेस डेप्रिसिएशन हायर प्रॉफिट्स। जब डेप्रिसिएशन कम होता है तो प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा होते हैं फ्रीक्वेंट चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बार बार डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो चेंज कर दो कभी स्ट्रेट लाइन मेथड कभी डब्ल्यू डी वी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऐसे मतलब चेंज करते रहो फ्रीक्वेंटली इससे क्या होता है इससे इम्पैक्ट पड़ता है उसके प्रोसेस पे और मतलब डिप्रिसिएशन के प्रोसेस पे सो so ये उनके मैन्यूपलेशन के जो इंटेंशंस है जो उनको करवाना है वो उस हिसाब से इसमें चेंजेस लाते रहेंगे मैन्यूपलेटिंग सेल्स एंड रेवेन्यू फिगर्स जब हम लोग सेल्स को मैन्यूपुलेट करते हैं यानी जब मैं दिखा दूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ है इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आया है इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो गए मेरे पास एंड फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है कि भाई मुझे टैक्स कम पे करना है तो मैं दिखाऊंगी कि मेरा सेल्स जो है वो कम है इससे ये दिखेगा कि मेरा रेवेन्यू कम है तो क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट कम आएगा और अगर प्रॉफिट कम है तो मुझे जो है वो टैक्स से छुटकारा मिलेगा आई कैन पे लेस

थोड़े बहुत मेजर्स जो होते हैं जिससे क्रिएटिव अकाउंटिंग को स्टार्टिंग पॉइंट में ही रोका जा सकता है या फिर एटलीस्ट उसे डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत मेन्यूपलेशन हुआ है अकाउंट्स के साथ टू प्रिवेंट क्रिएटिव अकाउंटिंग द एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट अकाउंटेंट्स एंड मैनेजर्स शुड डिवाइड द ड्यूटीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो एक uh, कि रिस्क कैसे कम करे कैसे बिजनेस को मैनेज करे कैसे ये करें कैसे वो करें ये होता है इंटरनल कंट्रोल मतलब मेन इंटेंशन क्या होता है कि हमें जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है और हमारी जो रिस्क है वो कम करनी है ये होता है इंटरनल कंट्रोल अब इसका जो काम है ठीक है उसकी चेक लिस्ट बना लो यानी उस में क्या क्या काम करने हैं वो सब बना लो मैनेजमेंट करना है असेसमेंट करना है रिस्क असेसमेंट करना है प्रॉफिट इवेल्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए जो मैनेजमेंट का काम है वो ठीक से होना चाहिए ये सारी चीज़ें जब हम लोग ठीक से एक लिस्ट बना लेंगे उसको दो लोगों में डिवाइड करो ऐसे नहीं कि एक ही पर्सन करे क्यों इससे क्या होगा कि जब ये पर्सन ये सब काम कर रहा है और एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ये काम छोड़ दिया तो ये जो सेकेंड पर्सन है ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये काम तो हुआ ही नहीं है तो ये यहाँ पे दो लोग जब मिलके करेंगे तो ये एक दूसरे के काम को परख सकेंगे एक दूसरे को बता सकेंगे कि क्या चीज़ें जो इन्होंने नहीं की है या गलत की है सो डिवाइड द ड्यूटीज ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल चेक लिस्ट फर्दर मोर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी शुड ऑलवेज हैव समन विद अ स्ट्रांग अकाउंटिंग बैकग्राउंड एंड ऑडिट एक्सपीरियंस जो ऑडिट uh, कमेटी होती है उनका जो इस फील्ड से रिलेटेड यानी अकाउंटिंग और ऑडिट का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के ही ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार कुछ तो जो है वो मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं किया है कुछ तो है जो मैच नहीं कर रहा है जो सेल्स इन्वॉइस दिखा रहे हैं और जो अकाउंट्स uh, में जो डेटा uh, लिखा हुआ है वो मैच नहीं कर रहा है या कुछ तो है जो सो so, ये किसको समझेगा वो एक एक्सपर्ट्स को ही समझेगा जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड स्ट्रांग है और जिसको ऑडिट का एक्सपीरियंस है एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑडिटर्स को बदलते रहो सर्टन पीरियड के बाद सो so इससे क्या होगा कि जो नया ऑडिटर आएगा वो नए सिरे से शुरू करेगा जो पुराना होता है उसके साथ कंपनी की जान पहचान हो जाती है तो वो भी हेल्प कर सकता है मेन्यूपलेसन करने में सो मेक श्योर की देर इज अ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नाउ वी विल स्टडी सत्यम्स केस लॉ हम लोग सत्यम की केस स्टडी पढ़ेंगे ब्रीफ में पढ़ेंगे डिटेल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट ये सत्यम uh, का जो सत्यम कंप्यूटर्स है ये नाइनटीन एटी सेवन में स्टार्ट हुआ था बाय रामलिंगर राजू और इनके ब्रदर इन लॉ जो थे इन्होंने मिलके इस सत्यम कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया था ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी जो बहुत ही सक्सेसफुल थी उसको अवार्ड्स मिल रहे थे मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेरी गुड 2000 तक जो है इनका बिजनेस काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया था ये लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में uh, लिस्ट होने लग गए थे शेयर uh, प्राइस जो है वो अच्छी खासी uh, बढ़ गई थी उस समय में क्या हो गया कि ये जो रामलिंगा राजू है हैदराबाद के हैं ये हैदराबाद में ना रियल इस्टेट बहुत उस टाइम में जो है वो बहुत बूम कर रहा था यानी बहुत अच्छा चल रहा था बहुत इसमें जो बेनिफिट्स है वो एज अ बिजनेसमैन जो जिनको समझ में आता है उनको ये समझेगा कि वो उस टाइम पे रियल इस्टेट का बहुत ही अच्छा चल रहा था तो राजू जी जो है वो जो है प्रॉपर्टीज़ परचेस करने लग गए मतलब वो रियल इस्टेट में करने लगे मतलब सत्यम वॉज गोइंग वेल एंड ही स्टार्टेड परचेजिंग रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ इनका जो परचेज़ करने का एक पैटर्न बोलते हैं वो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगा यानी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज uh, जो है वो परचेज़ करने लगे ऐसा ये भी कहा जाता है कि इनके पास जो है वो इंटरनल uh, इंफॉर्मेशन थी यानी ब्लू थे या uh, क्या रियल uh, इस्टेट के इसमें जो होता है कि भाई कहाँ से क्या uh, uh, रास्ते निकलने वाले हैं या मेट्रो निकलने वाली है तो आगे जाके इसमें जो है वो बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ऐसा बोला जाता है कि राजू जी के पास थी तो वो जो है वो प्रॉपर्टीज़ अग्रेसिवली ख़रीदने लगे अब प्रॉपर्टीज इतनी हम खरीद ही रहे हैं तो डेफिनेटली बात है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो राजू जी को भी जो है वो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने लगी तो क्या करें तो ही स्टार्टेड मैन्युपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उनका रियल प्रॉफिट जो है वो फिफ्टी करोड़ है तो वो फेक प्रॉफिट दिखाने लगे पाँच करोड़ का मतलब यहाँ पे ही स्टार्टेड मैन्युपलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ यहाँ से शुरू हुआ उनका ये सफर मैन्युपलेशन का धीरे धीरे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट्स में ये ऐसे करने लगे क्यों एन अटेम्प्ट ऑफ शोइंग कंपनी इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट इससे क्या होगा वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ गई थी ये डेफिनेट सी बात है जब सत्यम यानी जब सत्यम कंपनी वॉज गोइंग गुड Uh, जब हैदराबाद में रियल इस्टेट वॉज बूमिंग वेरी uh, मच तो राजू जी ने uh, रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज जो है वो ख़रीदने एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिए और उनको जब uh, फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ने लगी ज़्यादा फाइनेंस की तो उन्होंने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैन्यूपलेट करना स्टार्ट कर दिया मेन्यूपलेसन से क्या हो गया कि उनकी जो बिज़नेस है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट और ज़्यादा अच्छी चल रही है ऐसे लगने लगा तो धीरे धीरे उनका जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ने लग गया यानी फॉर एग्जांपल अगर 2003 में अगर एग्जांपल हाँ उनके शेयर की जो प्राइस थी वो थी 100 तो 2005 तक उनकी हो गई थी वो 300 यानी यहाँ पे 300 परसेंट का जो ग्रोथ आ गया उनके शेयर प्राइस में दिस इज़ बिकॉज कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैन्युपुलेट करते थे और वो ऐसा दिखाते थे कि बहुत ही बहुत ही उमदा उनकी बिजनेस चल रही है fake sales invoices were shown and also fake bank statements were shown to show that profit is in bank in the form of cash reserves which was actually not there yani uh, ye raju ji kya karne lage inhone aisa dikhaya fake ha fake sales invoices dikhaye fake sales invoices dikhaye अब यहाँ इसका क्या मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा sales हो रहा है लेकिन अगर sales हो रहा है तो profit कहाँ है तो इस प्रॉफिट को दिखाने के लिए उन्होंने बैंक के भी स्टेटमेंट्स जो है वो फेक दिखाए और ये दिखाया कि उनका जो भी प्रॉफिट है वो बैंक में है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिज़र्व लेकिन एक्चुअल में बैंक के पास कोई भी कैश रिजर्व नहीं थे दिस हैपनिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब 2001 से लेकर 2008 तक ये मैन्यूपलेसन चलते रहे यानी फेक इन्वॉइसिस यहाँ पे फेक इन्वॉइसिस बनते थे और वहाँ पे फेक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाया जाता था सबको कि हाँ देखो एक्चुअल में जो है अ, मेरे पास इतना पैसा है लेकिन जो रियल में था नहीं तो ये बहुत लंबे टाइम तक ये जो स्कैंडल जो है वो राजू जी करते रहे नाउ अब ये जो एक्चुअल और फेक का जो फिगर है ना इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया सो so, ऑब्वियसली इतने टाइम से वो फेक डेटा दिखाते रहे दिखाते रहे तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब डिफरेंस आ गया तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने खरीदे थे वो अब मैं बेच देता हूँ लेकिन देर वॉज़ अ रिसेशन इन 2008 2008 में रिसेशन आने के कारण रियल uh, इस्टेट में जो है वो uh, गिर गए मतलब मंदी आ गई मतलब रियल इस्टेट के जो प्राइस है वो गिर गए और ये जो इनका प्लान था राजू जी का कि वो प्रॉपर्टीज़ uh, बेच के जो पैसा आया है वो उस पैसे से ये गैप को मिटा देंगे ये जो उनका इंटेंशन था ये जो प्लान था वो हो गया फ्लॉप क्योंकि उनको जिस भाव में बेचने थे अब वो भाव मिल वहाँ पे नहीं रहे थे रिसेशन के वजह से तो ये तो प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया टोटली अब क्या करें तो राजू जी वो थिंकिंग कि चलो मेरे पास एक दूसरा प्लान है ही केम अप विथ अनदर प्लान मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज वर राजूज कंपनीज बट दे वर इन हिज फैमिली मेम्बर्स नेम देखो ये जो मेटस है ना ये अगर आप देखो तो ये सत्यम का उल्टा है मेटस थी मेटस जो है वो एक्चुअल में राजू जी की ही कंपनी थी बस उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर नाम थी तो अब उन्होंने सेकेंड प्लान क्या किया सो टू कवर दिस गैप ये जो गैप वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे फेक और रियल में मतलब जो फेक फिगर्स है जो उन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया जबकि सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट था तो ये जो गैप है ना ये हटाने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि he decided to show that the gap amount is used to buy meters but actually meters was his company and no actual cash transaction happened उन्होंने ये ऐसा दिखाया कि अपने शेयर होल्डर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने कंपनी को दिखाया कि या मैं ये मेटर्स ख़रीद रहा हूँ तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पैसों का गैप था सपोज़ फॉर एग्जांपल 450 फिफ्टी करोड़ का जो गैप था वो पैसों से मैंने ये मेटर्स इंफ्रा और मेटर्स प्रॉपर्टीज खरीदे हैं ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया अब ये प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता था क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है सत्यम के अप्रूवल दे दी थी कहा था हाँ ठीक है ऐसा आप लोग कर लो लेकिन ये प्लान तब फेल हुआ जब सत्यम के शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया इस प्रपोजल से उन्होंने कहा कि हम हम नहीं चाहते कि आप मेटस को खरीदे ठीक है तो उनका जो प्लान था वो था उन्होंने कहा कि हमको मेटस नहीं खरीदना है तो यहाँ पे जो राजू जी का प्लान था वो हो गया फेल अब ना ही वो प्रॉपर्टीज़ बेच के ये गैप को कवर कर पा रहे थे और ना ही वो मेटस वाले प्लान में सक्सेस हो गए तो इसके लिए उन्होंने 2009 में सेबी को यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने उस लेटर में अपने उन्होंने जो भी फ्रॉड किया है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी तो एक बार हम लोग मैं आपको एक बार डिटेल में फिर से एक समरी दे देती हूँ तो ये सत्यम जो है स्टार्टेड इन 1987 ओके बाय रामलिंगा राजू एंड हिज़ ब्रदर इन लॉ ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चला सत्यम वाज़ गोइंग वेरी गुड उनका जो है वो एन वाई सी एन वाई सॉरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी आया uh, नाम शेयर प्राइस अच्छे से बढ़ रही थी फिर अचानक से हैदराबाद में ना रियल एस्टेट जो है वो बहुत अच्छा चलने लगा और राजू जी जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने लगे ऐसा कहा भी जाता है कि उनके पास जो है वो एक जो ब्लू होते हैं कि कहाँ से रस्ते निकलने वाले या जो भी मेट्रो निकलने वाली है उन सब के तो वो वहाँ के प्रॉपर्टीज जो है वो अग्रेसिवली खरीदने लगे जब वो ये प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे तो डेफिनेटली उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी और ये फाइनेंस उनको कहाँ से मिल सकता था इन्वेस्टर्स से तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेन्यूपलेट करने लगे ही स्टार्टेड मैन्यूपलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट अगर फिफ्टी uh, करोड़ है तो वो फाइव हंड्रेड करोड़ दिखाने लगे ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग द लाइबिलिटीज उन्होंने लाइबिलिटीज कम दिखानी शुरू कर दी उन्होंने सेल्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट फेक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए कि हाँ कैश रिजर्व जो है वो बैंक में अवेलेबल है ये सारे मैन्यूपलेशन्स जो है वो करने लगे जो क्वार्टरली इनकम फिगर्स होती है वो उसको भी मैन्यूपुलेट करने लगे ऐसे करते करते वो बहुत फ्रॉड करने लगे फ्रॉम से फॉर एग्ज़ाम्पल टू थाउजेंड वन से करीब करीब टू थाउजेंड वन से दो हज़ार आठ तक वो ये करने लगे इतना फ्रॉड करने के बाद ज़ाहिर सी बात है जो एक्चुअल फिगर्स थे ठीक है और जो फेक थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया यानी अगर ये फिफ्टी करोड़ है और ये अगर फाइव हंड्रेड करोड़ है तो इनका जो डिफरेंस है फोर फिफ्टी करोड़ इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट अब इसको कैसे कम करें और कैसे क्योंकि डेफ़िनेटली अब कुछ लोग सवाल करने लगे थे कि यार इतना ज़्यादा गैप जो है वो सही नहीं लग रहा है तो उन्होंने प्लान किया कि ओके लेट्स डू वन थिंग लेट्स सेल द प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी थी लेकिन 2008 में रिसेशन आया रिसेशन के वजह से रियल इस्टेट जो है वो पूरा बर्बाद हो गया और राजू जी का ये जो प्लान था वो हो गया फ्लॉप तो ही केम अप विथ अनदर प्लान कि वो मेटस जो उन्हीं की कंपनी थी लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ राजू जी ने बना के रखी थी जो उनके फैमिली फ्रेंड्स और जो उनके फार्म पे भी लोग काम करते थे ना उनको उनके नाम पे भी उनको भी डायरेक्टर्स बना दिया था करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड समथिंग फिगर की कंपनीज उनके उनके खुद की थी पता है तो उन्होंने इतने फ्रॉड कर दिए और फिर जो एंड का उनका प्लान था मेटर्स से रिलेटेड था जो मेटर्स जो है वो सत्यम का ही उल्टा है अगर आप देखो तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये जो गैप आ रहा है ना एक्चुअल फिगर में और जो फेक फिगर में जो गैप आ रहा है उसको वो कैसे दिखाएंगे वो दिखाएंगे ये दिखा के कि मैंने मेटस ख़रीद ली मेटस इंफ्रा प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने ख़रीद ली बट एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला था मतलब कोई एक्चुअल में परचेज़ या सेल नहीं होने वाला था बट वो बस ऐसा दिखाना चाहते थे और ये शायद सक्सेस uh, भी हो जाता ये प्लान क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया था लेकिन शेयर होल्डर्स ने इस प्रपोजल uh, को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया उन्होंने बोला नहीं वी डोंट वॉन्ट कि आप ये ख़रीदें और इसके बाद राजू जी के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अब मैं कैसे इस गैप को कवर करूँ सो ही 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 रोट अ लेटर टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया राइटिंग टू दैम इन अ लेटर कि उन्होंने ये फ्रॉड कमिट किया है कैसे किया है क्या किया है और इस तरह ये फ्रॉड लोगों के सामने आया था सो दिस इज़ इट वी आर डन विथ क्रिएटिव अकाउंटिंग एज वेल और आई uh, होप आप लोग uh, सत्यम को और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्कैंडल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये फ्रॉड हुआ भले ही इट वॉज इलीगल बट जस्ट थिंक कि अगर कोई इतने छोटे छोटे लूप होल्स को निकाल के इतने बड़े बड़े स्कैंडल कर सकता है वन नीड्स टैलेंट फॉर दैट तो आपको एज़ अ केस स्टडी बोल के ज़रूर मालूम होना चाहिए कि क्या uh, ये पर्टिकुलर स्कैंडल uh, था सो मेक श्योर कि आप ना कि सिर्फ ये दूसरे भी जो मैंने दिए हैं एंडरॉन स्कैंडल लेमन ब्रदर्स स्कैंडल वेस्ट मैनेजमेंट स्कैंडल ये सारे आप लोग पढ़ लेना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग होने के बाद लेके आऊँगी टिल देन मेक श्योर कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते रहे इसमें और थोड़ा डिटेल खुद के तरफ से भी जाए और ढूंढे कि हाँ कहाँ कहाँ कैसे होता है अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इट्स अ गुड टॉपिक टू रियली You know, go in depth and understand. So, keep learning, keep working hard, and I will come up with another topic that is environmental accounting next week. So, thank you for watching my video. Bye bye.